बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। क्वेश्चन नंबर 9 है 7.4 एक्सरसाइज का। इसकी इक्वेशन जो है, जिसको जो हमने स्केच करना है, उसकी इक्वेशन आपके सामने है। ये इक्वेशन है जी, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है जी, हमने इसको पहले डिस्कशन करनी है और उसके बाद स्केचिंग की तरफ जाना है। सबसे पहले जो हमने डिस्कस करना है इसमें, वो इसकी सिमेट्री चेक करनी है। द फर्स्ट वन थिंग इज सिमेट्री, सिमेट्री अबाउट द वाई एक्सिस। इसमें आपने इसके लिए एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दीजिए। अब इसमें आप ये देखेंगे कि अगर आप इसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक्स ऑड पावर्स के साथ आ रहा है या इवन पावर के साथ। राइट हैंड साइड में आप ये देखते हैं कि चले यहाँ पे इवन पावर के साथ है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में एक्स जो है वो ऑड पावर यानी कि वन के साथ है। तो यहाँ पे आपके जो है वो फ़र्क पड़ेगा, मतलब आपकी इक्वेशन में एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा। एक्स्ट्रा नेगेटिव की वजह से आपकी इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, तो आपकी इक्वेशन सेम नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपका कर्व सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस नहीं है। दूसरे नंबर पर सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस के लिए आपने वाई को माइनस वाई से रिप्लेस करना है। देखिए, वाई को माइनस वाई से अगर आप रिप्लेस कर दें, तो इसमें आप के पास लेफ्ट साइड पे वाई की जो पावर है वो इवन है, और राइट हैंड साइड में जो वाई की पावर है वो बज़ाहिर आपको लग रहा है जैसे ये भी ऑड इवन पावर के साथ है, लेकिन अगर आप इसको खोलें राइट हैंड साइड को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये खुल के आएगा। एक्स वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड पर है, राइट साइड पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई है। ठीक है, तो आप जहाँ जहाँ वाई है उसको माइनस वाई से रिप्लेस करें, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपका माइनस आ जाएगा, माइनस टू एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो चेंज होगा ये इग्नोरेबल नहीं है, आप इसको कंपनसेट नहीं कर सकते, दैट्स वाई इससे इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री नहीं है। उसके बाद ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री के लिए ये दोनों चेंज करने हैं, ये दोनों चेंजेस ही आपकी इक्वेशन को चेंज कर देते हैं, दैट्स वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्री नहीं है। उसके बाद x को y से रिप्लेस कर लें, y को x से रिप्लेस कर लें, y इज इक्वल टू x। नेक्स्ट सिमेट्री चेक करने के लिए इस लाइन के अबाउट, तो आप ये जानते हैं कि ये देखें, अगर आप इसमें x को y से और y को x से रिप्लेस करें, आपकी असल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। तो इसमें आप जब y को x से रिप्लेस करते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। राइट हैंड साइड पर तो आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये देखें राइट हैंड साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे फ़र्क पड़ता है। जहाँ वाई स्क्वायर था वहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से सिमेट्री अबाउट जो है आप ये कह सकते हैं सिमेट्री अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स नहीं है। उसके बाद एक्स को माइनस वाई से और वाई को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से भी अगेन आपको पता है कि चेंज आएगा, और फिर नेगेटिव के साथ भी हो जाएगा। नेगेटिव तो छोड़ें, लेकिन वाई को एक्स से और एक्स को वाई से करने से हमारे पास जो चेंज आएगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, दैट्स वाई इस लाइन के अबाउट सिमेट्री भी नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपको ये करना है कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाना है, नेक्स्ट जो चेक लगाना है आपने अपनी इस इक्वेशन के ऊपर जी। तो अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपको चेक करना है जी इंटरसेप्ट्स। इंटरसेप्ट्स में आप ये देख लें कि सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट चेक करना है, उसके लिए वाई ज़ीरो पुट करना है, और फिर वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स आपने ज़ीरो पुट करना है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए ये आपकी इक्वेशन नंबर वन इसको कह दें, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को ज़ीरो पुट करें लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी इस इक्वेशन में, तो आपके पास ये चीज़ है। यहाँ से एक्स की वैल्यू ज़ीरो आती है, तो जो जिस पॉइंट पे आपका एक्स इंटरसेप्ट बनता है वो ज़ीरो ज़ीरो है। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट आपके पास ज़ीरो ज़ीरो है। वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने चूँकि एक्स को ज़ीरो पुट करना है, तो वो लेफ्ट साइड पे भी आपका एक्स ज़ीरो आएगा और राइट साइड पे भी एक्स ज़ीरो आएगा। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस इम्प्लाइज वाई की वैल्यू आती है आपके पास ज़ीरो, और जो वाई इंटरसेप्ट बनता है वो भी आपके पास ज़ीरो ज़ीरो बनता है। सो इंटरसेप्ट ओवरऑल आपके पास सिर्फ एक ही है, इससे ज़्यादा आपके पास इंटरसेप्ट्स नहीं है। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि आपका कर्व जो है वो एसिम्प्टोट्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस कितने एसिम्प्टोट्स हैं, या एग्जिस्ट भी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपने ये करना है कि आपने इस इक्वेशन को ज़रा खोलना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई।
इसमें आपने द हाइएस्ट द टर्म दैट इज इन्वॉल्विंग द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर आपने असिम्प्टोट फाइंड करने हैं तो उसमें वो टर्म आप यहाँ पे फाइंड आउट करें जिसमें एक्स की हाइएस्ट पावर इन्वॉल्व हो रही है. इसमें एक्स की वन पावर है, इसमें एक्स की पावर को इसमें एक्स की कोई टर्म नहीं है इन्वॉल्व हो रही है. इसमें एक्स वन पावर के साथ और इसमें टू पावर के साथ है. ये हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स वाली टर्म है. इसका कॉफिशेंट उठाएं इक्वल्स टू जीरो पुट करें. जो इक्वेशन आती है वो सिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस की है लेकिन ये कोई वैलिड इक्वेशन नहीं है इसलिए हम कहेंगे कोई सिम्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करता. उसके बाद इन्हीं इसी इक्वेशन में जाएं और जाके वो टर्म्स जो कि वाई की हाइएस्ट पावर को इन्वॉल्व कर रही हैं उनको फाइंड आउट करें. एक टर्म ये है जिसमें वाई की हाइएस्ट पावर है और एक टर्म ये है जिसमें वाई की हाइएस्ट पावर है. इनको अगर मैं एक तरफ ले जाऊँ एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो इसमें से वाई स्क्वायर को अगर आप कॉमन निकालें तो वाई स्क्वायर का जो कॉफिशेंट बनता है वो एक्स माइनस वन बनता है. तो इसके कॉफिशेंट को उठाना है और इक्वल्स टू जीरो पुट करना है और वहाँ से जो इक्वेशन आएगी उसको चेक करना है. एक्स इज इक्वल्स टू वन ये एक वैलिड इक्वेशन है और ये इक्वेशन उस असिम्प्टोट की है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है. सो यस असिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस एग्जिस्ट करता है और उसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल्स टू वन है. नेक्स्ट है आपके पास आपने चेक करना है जी रीजन और रीजन को चेक करने के लिए जैसे कि आपको पता है कि हम वाई को सेपरेट करते हैं तो y को सेपरेट करने के लिए इस इक्वेशन को पहले आपको खोलना पड़ेगा. दैट इज एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई. इसमें y एक टर्म में नहीं आ रहा इस पर बल्कि एक से ज़्यादा टर्म्स में y इन्वॉल्व हो रहा है. वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को ज़रा आप इकट्ठा कर लें. एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई ये देखिए जी वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन आता है. एक्स माइनस वन इसका कॉफिशेंट बन गया. एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई ये देखें वाई स्क्वायर इसका कॉफिशेंट एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये जो इक्वेशन आपके पास आई है इसको मैं इक्वेशन नंबर टू कह दूं. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. ये इक्वेशन देखिए आप एक्चुअली में हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ से वाई को सेपरेट करना होता है लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है वाई को सेपरेट करना. तो इसका तरीकेकार ये है कि जैसे आपके पास स्टैंडर्ड होती है इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे जस्ट लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसे ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. ये किस वेरिएबल में है ये इस वक्त जो हमारा वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है वो एक्स वेरिएबल है. तो इस वक्त इसी तरह से मैं इसको रिलेट करा सकती हूँ. इसमें जो वेरिएबल है इस वक्त हमारा वाई इस्तेमाल हो रहा है. हाईएस्ट पावर टू ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वाई बन गई है. सेकंड डिग्री में आपका वाई है और थर्ड डिग्री इस वक्त जो ये इसका कॉफिशेंट है ये कैपिटल ए का कैरेक्टर सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मैं कह दूँ कैपिटल ए का कैरेक्टर सेटिस्फाई कर रहा है ये कॉफिशेंट इसका. इस कॉफिशेंट को हम माइनस टू एक्स इसको हम कैपिटल बी कह सकते हैं और इसका जो यहाँ पे ये टर्म है जिसमें वाई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसको हम एज अ कांस्टेंट डील कर सकते हैं. नो डाउट कि ये वेरिएबल है. बहरहाल इस इक्वेशन में हम वाई को एज अ वेरिएबल डील कर रहे हैं और बाकी सबको एज अ कांस्टेंट. ठीक है तो अब ज़रा इसको सॉल्व करें. इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे. क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जी माइनस बी प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस फोर सॉरी बी स्क्वायर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए. ये आप होता है जी आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला. तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में बी की जगह ये सारी वैल्यूज ऊपर से उठाएं और पुट कर दें. माइनस टू एक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर है जी फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह एक्स माइनस वन सी की जगह माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है जी ये हमने सारी वैल्यूज इंसर्ट कर दी ए की जगह एक्स माइनस वन. नेक्स्ट है जी इनको सॉल्व करें. बाहर आता है जी प्लस टू एक्स प्लस माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस फोर एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स माइनस वन और डिनोमिनेटर में है जी टू एक्स माइनस टू. नेक्स्ट है जी टू एक्स बाहर प्लस माइनस अंडर रूट ये अंदर है फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर. ठीक है जी फोर एक्स स्क्वायर के साथ हो जाता है जी कैंसिल और डिनोमिनेटर में टू टाइम्स एक्स माइनस वन ही कर लें. नेक्स्ट है जी आपके पास 2x प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4x क्यूब
और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स x माइनस 1। देखिए जी 2 कॉमन निकलता है, x प्लस माइनस अंडर रूट से 4 कॉमन निकला तो 4 निकलता है तो बाहर 2 बन जाता है, वो मैंने कॉमन निकाल लिया। ओवर 2 टाइम्स x माइनस 1, ये न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में से 2 कैंसिल कर दिया और बाकी आपके पास बचा x प्लस माइनस अंडर रूट x क्यूब ओवर x माइनस 1। सचिन नेक्स्ट स्टेप में y की जो वैल्यू निकली है x प्लस माइनस, देखिए अंडर रूट में स्क्वायर को अलग कर दें, x को अलग कर दें और डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, x प्लस माइनस स्क्वायर बाहर निकलता है तो x के साथ और एक अंडर रूट x अंदर रह जाता है ओवर x माइनस 1। और अब अगर आप इसमें से मजीद न्यूमरेटर में से x कॉमन निकालना चाहें तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट x ओवर x माइनस 1। जी तो अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू आपको लिख के देती हूँ, जो y की वैल्यू आई है y इज इक्वल्स टू x टाइम 1 प्लस माइनस अंडर रूट x ओवर x माइनस 1। देखिए x जो है वो एक रियल नंबर है और इसके करिस्पॉन्डिंगली y के जो आंसर्स आने चाहिए दैट शुड आल्सो बी, y शुड आल्सो बिलोंग टू द रियल नंबर्स। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी x की वैल्यूज़ हैं जो कि x y को जो है प्रॉब्लम करती हैं कि y रियल से हट जाए? दो तरह की, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है कि फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर आपके पास है वो x माइनस 1 है, अगर किसी सूरत में ये जीरो बन गया तो फिर y अनडिफाइंड हो जाएगा, तो अनडिफाइंड वाली सिचुएशन से भी हमने बचना है, इसलिए हम x की कभी भी ये वो वैल्यूज पुट नहीं करेंगे जिसे डिनोमिनेटर यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाए। तो x अगर 1 हो गया तो फिर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि अगर x इज इक्वल्स टू 1 होता है तो y अनडिफाइंड होता है, दैट्स व्हाई ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, इस पर हमारा कर्व ड्रॉ नहीं होगा। उसके बाद यहां आप अगर आप अंडर रूट को गौर करें, न्यूमिरेटर को गौर करें, न्यूमिरेटर में अगर आप x की नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट करते हैं तो फिर अंडर रूट की वजह से ये आपके पास आयोटा आ जाता है और y इमेजिनरी हो जाता है, रियल से निकल के ये कॉम्प्लेक्स में चला जाता है और हम जितना भी काम इस वक्त कर रहे हैं हम रियल में कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि x जो है वो लेस देन जीरो हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, x अगर लेस देन जीरो होता है तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है और अगर x इक्वल्स टू 1 होता है तो ये भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल बात नहीं है, तो ये दो हिस्से हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए अगर नंबर लाइन पे हम इसे इस तरह से ड्रॉ करें, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये आपके पास प्लस इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब ये पहली बात ये आपको कह रहे हैं कि एक्स जीरो से लेस नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है जिसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव है ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल पोर्शन नहीं है, मैंने इस पर क्रॉस लगा दिया। इसके अलावा अगर यहाँ पे 1 है तो एक्स एग्जैक्ट 1 नहीं हो सकता, ठीक है, एग्जैक्ट 1 नहीं हो सकता। बाकी आपके पास जो एक्सेप्टेबल रीजन बचते हैं उसमें अभी हमने डिसाइड तो नहीं किया, इसका मतलब 0 से 1 का रीजन अभी तक ऐसा कोई मसला पैदा नहीं हुआ, ये हमारे पास एक्सेप्टेबल है पूरी नंबर लाइन पे, और 1 से प्लस इन्फिनिटी तक का जो रीजन है वो हमारे पास एक्सेप्टेबल है फिलहाल, बज़ाहिर ऐसा लगता है। अच्छा जी, इसके बाद आप अगर आप गौर करें इस x की इस वैल्यू के ऊपर तो इसमें आपको थोड़ा सा ये नज़र आता है कि जैसे कि मैं अगर यहाँ पे साइड पे निकालूं, y इज इक्वल्स टू x टाइम्स 1 प्लस माइनस अंडर रूट x और डिनोमिनेटर में x माइनस 1। डिनोमिनेटर आपको बता रहा है कि आपका डिनोमिनेटर कब नेगेटिव होगा। देखें अगर x लेस देन 1 हो गया, ठीक है, अब आपका एक्सेप्टेबल रीजन जो ब्लू है वो है। देखिए एक्स लेस देन 1 कब हो सकता है, जब एक्स 0 से 1 के दरमियान होगा तो डेफिनेटली एक्स लेस देन 1 होगा। जब एक्स लेस देन 1 होगा तो डिनोमिनेटर आपका इस केस में आएगा जी नेगेटिव, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जैसे जस्ट लाइक 0.5 अगर x की वैल्यू हो गई तो 0.5 में से आप निकालें और 1 तो आपके पास जो आंसर आता है वो डिनोमिनेटर तो आपका बनता है जी नेगेटिव, ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास न्यूमिरेटर क्या होगा, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 से 1 के दरमियान x है तो पॉजिटिव। अब इसको देखें, इस ब्रैकेट को देखें, 0 से 1 के दरमियान 0.5, ठीक है, 0.5 का आप अंडर रूट ले लें, 0.5 का अगर आप अंडर रूट लें तो वो मज़ीद छोटा हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, तो 1 में अगर आप ऐड करें
अगर आप उसको 0.5 के अंडर रूट को ऐड करें तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव नंबर ही आता है, लेकिन अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली तो भी पॉजिटिव नंबर आएगा, वो 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि अंडर रूट एक्स का आंसर इस एरिया में 0 से 1 के दरमियान के एरिया में 1 से लेस ही होगा। तो इस केस में डिनोमिनेटर आपके पास जो है वो हर हाल में पॉजिटिव आएगा और न्यूमरेटर आपके पास हर हाल में पॉजिटिव आएगा और डिनोमिनेटर आपके पास हर हाल में नेगेटिव आएगा। तो ओवरऑल जब आपका एक्स लेस देन 1 होता है, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं, और आपका एक्स जो है वो 0 से 1 के दरमियान होता है, ठीक है, क्योंकि एक्स एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकता, एग्जैक्ट जीरो होने में तो वैसा हमारे कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल बात कर रही हूँ 0 से 1 के दरमियान के इंटरवल पे। एक्स अगर आपका 0 से 1 के दरमियान के इंटरवल में है, यानी कि ये वाली सिचुएशन है, 0 हो भी सकता है क्योंकि इसमें कोई मज़ायका नहीं है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि एक्स 0 होने में कोई मसला नहीं है। देखिए अगर एक्स 0 हो गया, यहाँ पर 0 आता है, यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 0 आता है, तो न्यूमरेटर तो आपके पास 0 हो गया और डिनोमिनेटर में आपके पास -1 आया, ओवरऑल आपके पास 0 आंसर आता है। तो x 0 पे y 0 होता है, इसका मतलब है 0 एक्सेप्टेबल है, लेकिन 0 से यानी कि आपके पास x की वैल्यू 0 एक्सेप्टेबल है, और इसका मतलब है यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जब आपका x इस रीजन में होता है, ठीक है, 1 से लेस है लेकिन 0 तक और 0 इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो ये जो आपके पास इंटरवल बनता है ये बनता है 0 से 1 तक का क्लोज ओपन इंटरवल, यानी कि 1 शामिल नहीं है बट 0 शामिल हो सकता है। तो इसमें सारी सिचुएशन ऐसी है कि ओवरऑल आपके पास न्यूमरेटर जो है इस इंटरवल के अंदर पॉजिटिव आता है और डिनोमिनेटर आपके पास नेगेटिव आता है, तो ओवरऑल आपके पास जब एक्स हम ये लिख सकते हैं जब एक्स लेस देन 1 होता है तो वाई आपका नेगेटिव है। अब बात कर लेते हैं x जब ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे सारा काम जो है 1 के अराउंड ही हो रहा है। जब x आपका ग्रेटर देन 1 होगा, ठहरें जी, जब x आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या सीन होगा, x आपका ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है, तो फिर कौन सा पोर्शन आता है, देखिए आपका +1 से इन्फिनिटी तक का ये इंटरवल है। x ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 इस लेस देन एक्स इस लेस देन इन्फिनिटी, यानी कि आपका एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 से इन्फिनिटी तक के इंटरवल से, ठीक है, और करके और दिस, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास डिनोमिनेटर का आंसर क्या आएगा और इस केस में आपके पास न्यूमरेटर का आंसर क्या आएगा। मैं ज़रा यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ, अब देखते हैं कि अब हमारे पास किस तरह के आंसर्स आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जब x आपका ग्रेटर देन 1 है तो डिनोमिनेटर जो है वो नो डाउट कि आपके पास पॉजिटिव आंसर देगा और इसका आंसर भी आपके पास पॉजिटिव आएगा, और ये जो कि प्लस माइनस के साथ है, अगर ये दो तरह के सिचुएशंस हैं, ठीक है, अगर तो अंडर रूट का आंसर क्योंकि इसमें दो तरह के आंसर्स न्यूमरेटर में बनते हैं, एक प्लस के साथ है एक हमारे पास माइनस के साथ है, तो प्लस वाले ने तो हमेशा ही, चूंकि 1 से ग्रेटर हो गया है तो प्लस वाले ने तो हमेशा ही आंसर प्लस देना है, ठीक है, ऊपर का आंसर पॉजिटिव आएगा, और डिनोमिनेटर का आंसर आपके पास क्या आएगा, दो हिस्सों में यहाँ पर डिवाइड कर देती हूँ मैं इसको, यहाँ पर ना मिटा दूँ अगर आपको तब समझ आएगी, इसको मिटा देते हैं, इस तरह से चलते हैं कि इसके दो हिस्सों में सप्लिट कर लेते हैं वाई को। देखिए वाई यहाँ पे ना दो तरह का है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स टाइम्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स बाय एक्स माइनस 1, और एक है आपके पास एक्स टाइम्स 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब मैं ज़रा कलर चेंज कर लूँ, देखें ये वाला सिचुएशन चल रही है, इसमें आपका x जो है वो 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर है तो डिनोमिनेटर आएगा पॉजिटिव, ये x आएगा पॉजिटिव, और 1 प्लस अंडर रूट x आएगा आपके पास क्या, डेफिनेटली पॉजिटिव, तो एक हिस्सा तो बन रहा है कि y आपका पॉजिटिव है, लेकिन इसमें देखें इसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव और न्यूमिरेटर कुछ खास वैल्यूज के ऊपर, देखिए अगर तो यहाँ पे आपके पास वो एक्स अंडर रूट एक्स की वो वैल्यूज़ जो कि 1 से लेस हैं तब तक तो आपके पास पॉजिटिव आएगा, देखिए इसने अगेन ये एक्स तो आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, लेकिन ये जो ब्रैकेट है
इस ब्रैकेट के लिए आपको देखना होगा कि x अंडर रूट x की वो वैल्यूज़, यानी कि x की वो वैल्यूज़ जिन पे अंडर रूट x का आंसर जो है वो 1 से ग्रेटर हो जाता है, तो फिर ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो y आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव ओवर पॉजिटिव की वजह से ओवरऑल y नेगेटिव और यहाँ पे ओवरऑल y पॉजिटिव। तो इस तरह का सीन है। जब आपका x 1 से ग्रेटर होता है, यानी कि आप इस पोर्शन में आते हैं, इस पोर्शन में जब आप स्केचिंग करते हैं, तो कुछ वैल्यूज़ पे आपका जो है वो x y आपका पॉजिटिव होता है। ये देखें, कुछ वैल्यूज़ पे y आपका पॉजिटिव है और कुछ वैल्यूज़ पे y फिर आपका नेगेटिव आंसर देना शुरू कर देता है। और नेगेटिव ज़्यादा, मतलब कुछ वैल्यूज़ पे आपका, कुछ फनाइट तो नहीं कह सकते, नंबर लाइन के ऊपर कुछ भी फनाइट नहीं होता, नंबर लाइन पे जो एक फनाइट पोर्शन में कह सकती हूँ, एक फनाइट छोटा सा पोर्शन होगा जिसके ऊपर y पॉजिटिव होगा, अदरवाइज ज़्यादातर y नेगेटिव ही आएगा। क्योंकि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप 2 का भी 2 के बाद जैसे 3 का अंडर रूट लेते हैं तो वो 1 पॉइंट समथिंग आता है, तो 3 से ऑनवर्ड जितने भी नंबर आपको नंबर लाइन पे इन्फिनिटी तक मिलेंगे वो सब के सब नेगेटिव आंसर देंगे। उनकी वजह से ज़्यादातर आपके पास y का नेगेटिव पोर्शन आएगा और थोड़े से हिस्से के लिए, यानी कि 1 से लेकर फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि वहाँ तक जहाँ तक आपके पास अंडर रूट x जो है वो 1 के बराबर आता है। ठीक है, 1 के बराबर आता है, जैसे ही 1 से बड़ा हो गया तो आपके पास x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसमें x पॉजिटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, अदरवाइज यहाँ सारे हिस्से पे, इन्फिनिट हिस्से पे y नेगेटिव होगा। जी, तो अब आप चलते हैं अपने इंटरसेप्ट्स को चेक करना है हमने। देखिए जी, इंटरसेप्ट्स को, सॉरी, जो पांचवा पॉइंट है उसमें हमने जितने भी इंटरसेप्ट्स निकाले थे उनको चेक करना है कि क्या वो डबल पॉइंट है या मल्टीपल पॉइंट है। तो इंटरसेप्ट तो जी हमारा एक ही निकला है और वो था ओरिजन। ओरिजन के ऊपर जब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजन करेंगे ऑफ दिस इक्वेशन टू द इंटरसेप्ट ओरिजन, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये न्यूट्रल इक्वेशन ही रहेगी, बस इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जैसे कि मैं आपको पिछले, अगर आपको यहाँ पे आपने इस लेक्चर से मुझे ज्वाइन किया है तो आपको हर पॉइंट को समझने के लिए मेरा बिल्कुल फर्स्ट जो इस एक्सरसाइज 7.4 का लेक्चर है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हर चीज़ मैंने डिटेल से बताई हुई। अब चूँकि मैं फ्लो में करवा रही हूँ सारी एक्सरसाइज, इसलिए मैं हर चीज़ हर एक लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताती। दिस इज़ कॉल्ड द शिफ्टिंग ऑफ ओरिजन। आपने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजन का काम करना है बिल्कुल वैसे जैसे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजन, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन का काम आपने करना है। बेसिकली आप अपनी इस इक्वेशन के ओरिजिन को इस इंटरसेप्ट पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ चूंकि ये इसका ओरिजिन भी 0.0 है और जिस पे आपने शिफ्ट करना है वो भी 0.0 है, तो ये शिफ्टिंग हमारी न्यूट्रल शिफ्टिंग हो जाती है, इससे हमारी इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। होता ये कि शिफ्टिंग करने के बाद हम अपनी इक्वेशन को खोलते हैं, जो फाइनल शेप आती है उसमें हमने उसकी डिग्रीज चेक करनी है हर टर्म की। इस टर्म की डिग्री 3 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है और इसकी भी 2 है। लीस्ट डिग्री टर्म जो आपके पास है वो 2 है, और 2 जो है वो आपके पास 3 टर्म्स हैं जिनकी डिग्रीज 2 है, तो लीस्ट डिग्री टर्म चूंकि 2 है तो यहाँ पे ओरिजन, ये जो इंटरसेप्ट ओरिजन है ये डबल पॉइंट है। इसमें से कर्व हमारा 2 दफ़ा पास करता है, इज अ डबल पॉइंट, हमारा कर्व 2 दफ़ा पास करता है। ठीक है, और अगर 2 दफ़ा पास करता है तो टेंजेंट्स भी इस कर्व के ऊपर, दो टेंजेंट्स, दो तरह के टेंजेंट्स बनेंगे। अब वो टेंजेंट्स कैसे होंगे, टू का अगर ये डबल पॉइंट है तो उसके ऊपर दो टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट का तरीका फाइंड आउट करने का ये होता है, जो लीस्ट डिग्री टर्म्स होती हैं उनको उठाएं, इक्वल्स टू जीरो रख देंगे। लीस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको उठाएं, इक्वल्स टू जीरो रख दें। यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो आपके दो टेंजेंट्स की इक्वेशन आएगी। देखिए, ये है आपके पास बेसिकली एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज एक्स प्लस, दो इक्वेशंस निकलती हैं, एक्स प्लस इज इक्वल टू वाई एंड एक्स प्लस वाई, सॉरी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो सेम निकलती हैं। तो यहाँ से जो एक्स की जो टेंजेंट की इक्वेशन निकलती है वो एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, इनके दोनों टेंजेंट सेम निकलते हैं, रिपीटेड निकलते हैं, कंसाइडेंट निकलते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगर कोई पॉइंट डबल पॉइंट हो, यानी कि उस पॉइंट में से आपका कर्व दो दफ़ा पास करता है, तो वहाँ पे टेंजेंट्स भी दो ही बनेंगे। और अगर उन टेंजेंट्स की इक्वेशन आप फाइंड आउट करते हैं और वो टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास रियल आती हैं, जैसे कि इस वक्त मेरे पास रियल आई हैं एंड सेम है, कंसाइडेंट है, रिपीट हो रही है, रियल रिपीटेड इक्वेशन से, यानी कि इक्वेशन सेम है बट
टू आपके पास टेंजेंट्स हैं और रियल इक्वेशंस हैं, तो इस तरह के टेंजेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो पॉइंट, डबल पॉइंट जिसको आप कह रहे हैं, वो डबल पॉइंट क्या है. वो डबल पॉइंट आपके पास कस्प है. डबल पॉइंट्स की भी आगे से टाइप्स होती हैं जो कि टेंजेंट की इक्वेशंस आपको बताती हैं कि वो किस टाइप में से है. तो ये कस्प होता है जब जिसके ऊपर दो टेंजेंट सेम रिपीटेड ओवरलैपिंग सिचुएशन वाले आपके पास टेंजेंट्स आते हैं. सो डबल पॉइंट आपके पास यहाँ पे ओरिजिन जो है वो कस्प है जी. तो ये आपकी इक्वेशन नंबर वन है, ओरिजिनल क्वेश्चन की इक्वेशन. इसके कुछ फैक्ट्स मैंने जो यहाँ पे इकट्ठे किए हैं, हमने डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करके वो मैंने यहाँ पे सारे आपके इकट्ठे लिख दिए हैं. सबसे पहले तो हमने ये चेक किया कि ये जो भी कर्व हम स्केच करेंगे ये किसी भी एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्स, सॉरी वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस या किसी भी ओरिजिन या किसी लाइन के अबाउट सिमेट्री नहीं है. उसके बाद इसके हमने इंटरसेप्ट चेक किए, ये कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करता है और इसके अलावा और कोई इसके इंटरसेप्ट्स नहीं मिलते. और साथ ही साथ ओरिजिन डबल पॉइंट भी होता है और डबल पॉइंट में चूंकि इसके टेंजेंट्स हमने जज किए वो कंसाइडेंट टेंजेंट्स थे, इसलिए ये डबल पॉइंट के साथ जो है ना सिर्फ ये डबल पॉइंट है बल्कि कस्प भी है. और टेंजेंट की इक्वेशन जो निकलती हैं ओरिजिन पे वो एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई जो कि रिपीटेड एंड रिपीटेड रियल होती हैं. उसके बाद हमने ये जज किया कि एक असिम्पटोट इसका है जिसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू वन है और एक्स इज इक्वल टू वन ये जिस लाइन की इक्वेशन होगी वो लाइन वर्टिकल लाइन होगी लेकिन उसने एक्स एक्सिस पे वन यूनिट डिस्टेंस कवर किया होगा, यानी कि वो ये असिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस था इफ़ यू रिमेंबर. उसके बाद जो चौथा पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो ये कि हमारा कर्व जो स्केच होगा नंबर लाइन पे वो ज़ीरो से वन तक, जिसपे ज़ीरो शामिल है वन शामिल नहीं है, वन पे हमारा कर्व डिफाइन नहीं होता और फिर वन से आगे चलते चलते वन से इन्फिनिटी तक के इंटरवल पे हमारा कर्व डिफाइंड है. यानी कि ये वो रीजन है जो अलाउड है, ज़ीरो से वन और वन से इन्फिनिटी बीच में ब्रेक आती है वन के ऊपर, वन के ऊपर डिफाइंड नहीं है. इसके अलावा जो नंबर लाइन पे नेगेटिव साइड है, नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, उस पर बिल्कुल भी वो नो एरिया है, यानी कि वहाँ पे हमारा कर्व अलाउड नहीं है. देखिए इसके बावजूद अभी स्टिल जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझती हूँ कि मैं आपको, क्योंकि जब मैं स्केचिंग की तरफ जाऊँगी तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा. उससे पहले मैं आपको बताना ही चाहती हूँ, एक्चुअली में हमने ये डिस्कवर किया है कि जैसे कि मैं अब यहाँ पर आपको दोबारा बताऊँ, देखिए हमने अभी तक ये देखा है कि हमारा कर्व ज़ीरो वन एंड ये इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी है, यहाँ पे हमारा कर्व अलाउ नहीं है, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक हमारा कर्व नहीं है. हमारा कर्व इस एरिया में है, वन अलाउड नहीं है और वन से प्लस इन्फिनिटी, लेकिन शेप कैसी होगी क्योंकि सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस नहीं है. सिमेट्री होता तो हम थोड़ा सा और असिम्प्टोट से थोड़ा बहुत हमें जो है वो आइडिया मिल जाता है. इसमें मैंने ये ज़रूरत महसूस की, क्योंकि जब मैं स्केच करूँगी तो आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने ज़रूरत ये महसूस की कि हमारा जो अलाउड रीजन है जो कि ज़ीरो से वन एंड वन से प्लस इन्फिनिटी तक, यहाँ पे मैं एक नॉर्मली जो स्केचिंग के लिए टेबल यूज़ होता है कि यानी कि देखिए ना, अगर आपकी x की वैल्यूज़ 0 से 1 तक वेरी कर रही हैं तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आती हैं. x 0 हो सकता है 0.1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. यहाँ पे वैसे इन्फिनिट वैल्यू में मोटी मोटी वैल्यूज़ के यहाँ पे मेंशन आपको कर रही हूँ. ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन पे देखिए ज़रा y के क्या आंसर्स आते हैं. इतना तो हम देख चुके हैं कि इस रीजन में x की तमाम वैल्यूज़ के लिए आपका y नेगेटिव था और इस रीजन में हम ये देख चुके हैं, ठीक है, इस रीजन में जो कि ज़ीरो से लेकर वन से लेकर इन्फिनिटी तक है, इसमें हमने ये देखा था कि हमारा कुछ वैल्यूज़ पे वाई पॉजिटिव और कुछ वैल्यूज़ पे वाई नेगेटिव आता है. देखिए आपका वाई जो है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती चलूँ कि आपका वाई जो है जब हमने फाइंड आउट किया था वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स रीजन में निकाला था तो ये एक्स टाइम्स वन प्लस अंडर रूट एक्स ओवर एक्स माइनस वन निकला था. देखिए हर x के करिस्पॉन्डिंगली एक्चुअली में आपको यहाँ पे दो y's मिलते हैं, एक मिलता है वन प्लस अंडर रूट एक्स के साथ x माइनस वन और दूसरा आपको मिलता है x टाइम्स वन माइनस अंडर रूट ओवर x माइनस वन के साथ. आप x की एक वैल्यू पुट करते हैं और इसके करिस्पॉन्डिंगली आपको यहाँ पे y के दो आंसर्स मिलते हैं इस प्लस माइनस की वजह से, बेसिकली ये बीच में प्लस माइनस है इस वजह से. तो आपके पास हर x के करिस्पॉन्डिंगली y के दो आंसर्स हैं.
जो ये रीजन है आपके पास, पहला रीजन जो कि 0 से 1 तक का रीजन है, इस रीजन में आपके पास x की हर x की जितनी भी वैल्यूज हैं ये पॉजिटिव वैल्यूज हैं। इसके लिए आपके पास y के जो दोनों आंसर्स आते हैं वो दोनों आंसर्स आपके पास नेगेटिव आते हैं, जबकि इस रीजन में हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि y के कुछ आंसर्स यहाँ से जो आंसर्स आएंगे x की पॉजिटिव वैल्यूज जो कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हैं, उसके लिए ये वाला हिस्सा आपको पॉजिटिव आंसर देगा और ये हिस्सा आपको नेगेटिव आंसर देगा, यानी कि x की इन वैल्यूज के लिए आपके पास y पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। लेकिन उन पॉजिटिव और नेगेटिव को स्केच करके शेप कैसी बनेगी, उसके लिए मैं ये समझती हूँ कि मैं आपको हल्का सा टेबल के जरिए एक थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। नॉर्मली इससे पहले किसी भी क्वेश्चन में मैंने आपको टेबल बना के नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत महसूस हो रही है क्योंकि स्केचिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फील होगा, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा स्केचिंग के जरिए टेबल के जरिए आइडिया दे देती हूँ कि इसमें किस तरह की स्केचिंग होगी। कि मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया है और इस टेबल में ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास वाई है। देखिए मैं यहाँ पर आपको लिखती चलूँ कि वाई इज इक्वल्स टू, आपने जो वाई को सेपरेट करके वैल्यू निकाली थी दैट वॉज 1 प्लस अंडर रूट एक्स ओवर एक्स माइनस 1 और दूसरी वैल्यू थी 1 माइनस अंडर रूट एक्स ओवर एक्स माइनस 1। एक्स की हर वैल्यू के करिस्पॉन्डिंगली वाई के दो आंसर्स मिलते हैं। देखिए और रीजन जो आपके अलाउड थे वो 0 से शुरू होके आपका रीजन 1 तक था एंड दूसरा रीजन 1 से शुरू होके प्लस इन्फिनिटी तक था। तो आपने वैल्यूज़ यहाँ से सबसे पहले सेलेक्ट करनी है, पहले इस इंटरवल में से कुछ वैल्यू सेलेक्ट करनी है और उसके करिस्पॉन्डिंगली y के आंसर्स देखने हैं और फिर इस इंटरवल में से आपने कुछ x की वैल्यूज़ कंसिडर करनी है और उस फिर उसके करिस्पॉन्डिंगली y के आंसर्स देखने हैं। y के हर एक वैल्यू x की वैल्यू के करिस्पॉन्डिंगली दो आंसर्स निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जब आप x की वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं तो y भी उसके करिस्पॉन्डिंगली आपके पास 0 ही आता है। जब आप इस इंटरवल की बात कर रहे हैं ना, पहले इस इंटरवल की बात करें, इसको देख रहे हैं तो इसमें जब आप ये देखेंगे तो आपने 0 से 1 तक आपके पास कितने नंबर लाइन पे वैल्यूज़ हैं, 0.1, 0.2, 0, मतलब आप हर इन्फिनिट वैल्यूज़ तो नहीं ले सकते, आपने कुछ गैप से लेनी है 0.3 से लेकर 0.9 तक में, यानी कि 1 से लेस तक। ठीक है, अब आप कितने ये 9 वैल्यूज़ लेना तो मेरे लिए फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है, मैं आपको 0.2 के डिफरेंस से लेके दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स की वैल्यू आप 0.2 सेलेक्ट कर लें, एक्स की वैल्यू 0.4 to 0.2 के डिफरेंस से, फिर 0.6, फिर 0.8, ठीक है, और 1 तो आपने वैसे ही नहीं लेना। तो ये 4-5 वैल्यूज़ आपने पहले रीजन में से ली, पहला रीजन आपका 0 से 1 तक का था, उसमें से आपने 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 वैल्यूज़ ले ली। उसके बाद दूसरा रीजन आपका कौन सा है, प्लस 1 से इन्फिनिटी, इसमें आप 1 तो आपने उठाना ही नहीं, आप 2 उठा लें, उसके बाद आप 3 उठा लें, उसके बाद आप 3 उठा लें, फिर उसके बाद आप 4 भी उठा सकते हैं और फिर 6 उठा लें, फिर 8 उठा लें, ये तो इन्फिनिट है, आप इन्फिनिट काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ उठाई हैं और उनके करिस्पॉन्डिंगली ज़रा आपको y के आंसर्स चेक करवाए हैं। पहले x की 0, x अगर 0 है तो उसके करिस्पॉन्डिंगली y का आंसर आपके पास 0 आता है, उसके बाद x अगर आपके पास 0.52 है तो उसके करिस्पॉन्डिंगली मैं आपको y के आंसर्स बताती हूँ। y के दो तरह के आंसर्स आते हैं, एक आंसर आता है 0.-0.36 और दूसरा आंसर आता है, दूसरा आंसर भी माइनस में है, -0.138। उसके बाद जो आपकी अगली वैल्यू है 0.4 के करिस्पॉन्डिंगली y का एक आंसर आता है आपके पास -1.088 और दूसरा आंसर आपके पास आता है -0.245। नेक्स्ट है जी आपके पास 0.6 के करिस्पॉन्डिंगली आपके पास -3.65 एक आंसर आता है और दूसरा आंसर, चूँकि हर x की एक वैल्यू के करिस्पॉन्डिंगली दो दो आंसर आने हैं और दूसरा आंसर आता है -0.33। उसके बाद 0.8 आता है, उसमें आप ये देखें पहला आंसर आता है जी -4.89 और दूसरा आंसर आपके पास आता है जी -0.422।
अच्छा इसमें ना एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे नोट करवाऊँ, ये जो रीजन है आपके पास जीरो से लेकर वन तक इतना हिस्सा जो टेबल का है, ये आपने पहले रीजन में से वैल्यू सेलेक्ट की है जीरो से वन तक। और यहाँ पे मैंने आपको दावा किया था, अभी मैंने पीछे ही आपको बताया कि इस रीजन में एक्स की हर वैल्यू के लिए वाई आपके पास नेगेटिव है, वाई के दोनों आंसर्स आपके पास नेगेटिव आते हैं। और ये मैंने आपको यहाँ पे करके भी दिखा लिया, ये देख लें 0.2 के करिस्पॉन्डिंगली वाई की दो वैल्यूज़ हैं और दोनों नेगेटिव, 0.4 के करिस्पॉन्डिंगली वाई की दो वैल्यूज़ हैं दोनों नेगेटिव, 0.6 के करिस्पॉन्डिंगली वाई की दो वैल्यूज़ दोनों नेगेटिव, 0.8 के करिस्पॉन्डिंगली दो वैल्यूज़ हैं दोनों नेगेटिव। ये तो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखा दिया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब आपने दूसरा रीजन लेना है। दूसरा रीजन जो है वो हमारा ये रीजन है वन से प्लस इन्फिनिटी तक का। उसके लिए मैंने वहाँ से उस रीजन से कुछ वैल्यूज उठाई हैं, 2, 3, 4, 6, 8, ठीक है। और इसको चलते हैं और इसकी वैल्यूज देखते हैं। 2 को अगर आप गौर से देखें, जब आपका x 2 है तो इसके करिस्पॉन्डिंगली जो y का आंसर आता है, एक आंसर आता है जी आपके पास, एक आंसर है 0.4 प्लस 4.8 और दूसरा आंसर है -0.8। फिर 3 के करिस्पॉन्डिंगली हम देखते हैं, एक आंसर आता है 4.05 और दूसरा आंसर जो हमारे पास आता है -1.05, ठीक है जी। ये मैंने कुछ आंसर्स आपके सामने रख दिए। अब मैं मज़ीद आगे नहीं जा रही, लेकिन एक मैं टेंडेंसी शो करती हूँ आपको कि हो क्या रहा है। यहाँ मैं एटलीस्ट आपको ये दिखाती हूँ। इसमें मैंने आपको जैसे कि कहा था कि आपके इस एरिया में, इस रीजन में प्लस वन से लेकर आपका प्लस इन्फिनिटी तक वाई के दोनों दो आंसर्स आते हैं। वाई आपका पॉजिटिव भी है और साइमल्टेनियसली वाई के दो आंसर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आता है। जबकि इस रीजन में फिक्स आपका वाई जो है दो आंसर देता है, लेकिन दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पता चल गया। और मज़ीद यहाँ से लेकर जो अब मैंने कंटिन्यू है, अभी मैंने करके नहीं दिखाया, 4, 6, 8 इतना टाइम नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक टेंडेंसी दिखा रही हूँ। एक आंसर आपका पॉजिटिव है, एक आंसर नेगेटिव है, वाई का एक आंसर पॉजिटिव है, एक आंसर नेगेटिव है, ठीक है। अब आप ज़रा इसको गौर से देखें, आपका कर्व में जब आप इस रीजन में रहते हैं, ज़ीरो से लेकर वन तक के रीजन में रहते हैं, तो आपका जो पहला आंसर है जो मैंने रेड से यहाँ पे लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप सिर्फ इस पे गौर करें। ये देखें रेड से जो मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, पहली वैल्यू है -0.36, फिर उससे बढ़ती है -0.1, -3, -4 और फिर पॉजिटिव में चला जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरी वैल्यूज़ मैं येलो से लिख रही हूँ, वो आप देखें -0.138, ये बढ़ती है 0.2, फिर -0.3, -0.4, 0.8 और फिर 1 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे भी इंक्रीज़। अगर आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें तो यहाँ पे भी आपको ना इंक्रीज़ ही नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रही है और वहाँ पे भी आपके पास नेगेटिव में भी, ये देखें आपके पास यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है और ये नेगेटिव में इंक्रीज़ होते होते आप पॉजिटिव में चले जाते हैं, ठीक है। अब इसको स्केच कैसे करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किस तरह से स्केच करना है, ठीक है। ये देखें मैं इस टेबल को भी सामने रखना चाहती हूँ और प्रीवियस जितने फैक्ट्स हैं वो भी आप अपने जहन में रखें कि हमने क्या क्या इसके बारे में जो है फाइंड आउट किया था कि इसकी स्मिट्रीनेस एंड सोन बाकी चीज़ों के बारे में, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको थोड़ा सा ऊपर स्केच कर ले, इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, इसको नीचे ले जाए। उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पे दिस इज़ ज़ीरो और दिस इज़ वन, ये मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले सिमटोट ड्रॉ करें, x इज इक्वल टू वन वॉज द सिमटोट, ये जी इसको हम नीचे ले आए, ये दी, ये आपके पास सिमटोट है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले आऊँ, ये आपका सिमटोट है, इसको असिम्प्टोट
ये मैं बता दूँ आपके कर्व का असिम्पटोट है और इसकी इक्वेशन मैंने आपको बताई थी x इज इक्वल्स टू 1 है। उसके बाद हमने दो टेंजेंट्स बताए थे, टेंजेंट दो कंसाइडेंट टेंजेंट्स हैं। देखिए ये वाला जो एरिया है ना ये आपका नो रीजन है, ये मैं क्रॉस यहाँ पे आपका कर्व है ही नहीं, ना अबव एक्स एक्सिस ना बिलो एक्स एक्सिस, और ये सिलसिला आपका माइनस इन्फिनिटी तक चलता। अब आपके दो टेंजेंट्स गुजर रहे हैं ओरिजिन में से, ओरिजिन में से दो टेंजेंट्स हैं और दोनों एक ही तरह के हैं, कंसाइडेंट हैं, ठीक है। ये मैंने टेंजेंट्स बना लिया। अब चूंकि कंसाइडेंट हैं दोनों की इक्वेशंस जो हैं वो सेम हैं, इसलिए मैं आपको दो डिफरेंट ड्रॉइंग करके दिखा सकती हूँ। ये एक ही टेंजेंट है दो, जो दो टेंजेंट्स की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। अब अगर इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके और बढ़ा दूँ यहाँ पे, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को ज़ाहिर है अब ज़ाहिर लगेगा कि कट कर रही है। ये है जी, इसको मैं कहूँ कि दिस इज़ द टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ठीक है। ये आपके पास टेंजेंट है और इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, क्योंकि x इज इक्वल्स टू माइनस वाई जो इक्वेशन होती है, जो लाइन होती है, वो लाइन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में से गुजरती है, जिस तरह से ये इस वक्त यहाँ पे गुजर रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका जो ओरिजिन है वो कस्प है, ओरिजिन में से आपके कर्व की दो ब्रांचेस ने पास करना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर करती चलूँ, यहाँ बहुत ध्यान से, कि इस एरिया में आपका जीरो से लेकर वन तक के जो एरिया है, इस रीजन में, इस पूरे रीजन में आपका कर्व, आपकी जो एक्स की वैल्यूज़ हैं 0.2, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो भी हैं, इन सब वैल्यूज़ के ऊपर आपने यहाँ पे देखा आपके वाई के दो नेगेटिव आंसर्स आते हैं, 1, 2, 1, 2, 1, 2 यहाँ तक आपने देखा दोनों आंसर्स नेगेटिव आते हैं। अब अच्छा जी, अब आपने ये और इन आंसर्स को ज़रा गौर से देखें, मिसाल के तौर पे 0.2 पे, मैं यहाँ पे आपको 0.2 पे करके दिखाती हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक अगर ये आपके पास 0.2 है, ठीक है, तो इस पे आपके पास y के दो आंसर्स आते हैं, एक -0.36 और -0.13। देखिए ये अगर आपके पास y एक्सिस पे, मैं इसको भी मिटा दूँगी, बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड ये एरिया लग रहा है, ठीक है, ये तो आपको पता है यहाँ पे आपका स्केच नहीं होना। अच्छा, ये अगर आपके पास y एक्सिस के ऊपर ये -1 है, ठीक है, मिसाल के तौर पे, तो आपकी पहली वैल्यू है -0.3, एक पॉइंट ये बनेगा, और -0.1 एंड -0.3, ये -0.1 है फॉर एग्जांपल, इसको ये -0.1 और -0.3, दूसरा आपका पॉइंट ये है, यानी कि 0.2 के करस्पॉन्डिंगली आपके दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट आपका ये है। इसी तरह से 0.4 के करस्पॉन्डिंगली आपके पास एक आंसर आता है -1.0 और -2.4, -2.4 एक आपके पास जस्ट लाइक यहाँ एक पॉइंट आएगा, और -0.2 और -1.08 ये आपके पास यहाँ कहीं आ जाएगा नीचे करके, वन से नीचे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, यहाँ कहीं आ जाएगा ये, अगर आपका वन है तो ये वन से थोड़ा नीचे आप बना लें। उसके बाद 0.6 पे आप ये देखें -3 point something और 0.33, येलो वाले जो हैं वो आपके इस टेंजेंट लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फिर येलो वाला एक और मैं स्केच करूं, 0.6 पे है, 0.8 पे -0.42, जस्ट लाइक -0.4 यहाँ कहीं है, और उसके साथ 42 के साथ -4.89 ये और नीचे आ रहा है आपके पास, 0.3
ये वाली वैल्यू मैंने स्केच नहीं की, ये 0.3, अगर मतलब मेरे पास इतनी जगह स्पेस शायद नहीं है, और फिर 0.4, मतलब इस एक ब्रांच आपकी ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ से पास कर रही है, ठीक है जी, और एक ब्रांच आपकी जैसे ये पास कर रही है, मतलब इसको मैं थोड़ा सा अगर ऊपर ऊपर को कर दूँ इन पॉइंट्स को, तो ऐसे लग रहा है जैसे आपकी एक ब्रांच यहाँ से पास कर रही है, ठीक है ऐसे, और जस्ट लाइक ठीक, ये दो ब्रांचें हो गई आपके ओरिजिन जो है वो उसमें से दो ब्रांचेस पास कर रही थी, एक ये और एक ये, दोनों डिफरेंट ब्रांचेस है, मतलब दो सिमेट्री नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि सिमेट्री है, ये देखें टेंजेंट लाइन के एक बहुत करीब है और एक टेंजेंट लाइन के, क्योंकि इस वक्त टेंजेंट आपका ये है, ये एक टेंजेंट लाइन से दूर है और एक टेंजेंट लाइन के करीब बन रही है। अच्छा वन पे यहाँ पे मैंने ऐसे ही स्केच कर दिया, यहाँ पे तो कर्व है ही नहीं, मतलब आपका यहाँ पे स्केचिंग नहीं होती है। उसके बाद आ जाते हैं टू पे, ठीक है ये है आपका, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, ये है आपका टू, फॉर एग्जांपल ये आपका टू है, ठीक है आप टू पे क्या सीन है, एक तरफ तो प्लस 4.8 है और दूसरी तरफ माइनस 0.8 है, 0.8 जो है ना वो कहीं यहाँ करके आएगा आपके पास वन से पहले, माइनस 0.8 ठीक है, और 4.8, अब फॉर एग्जांपल यहाँ ये समझ लें ये 4.8 है, ठीक है ये 4.8 है, तो एक पॉइंट सॉरी यहाँ नहीं आना, इस टू के ऊपर आना है, ये मैं यहाँ से मिटा दूँ कि ये सिमटोट है, ये तो हमें पता चल गया है, ये देखें इस टू के ऊपर एक पॉइंट यहाँ 4.8 और दूसरा इस टू के नीचे 0.8, ये भी मैंने ये जस्ट लाइक यहाँ पे करके 0.8, ये 0.8 माइनस के साथ, ये प्लस 4.8 ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अब वन से मैंने अब वन और टू के दरमियान भी कितने पॉइंट्स हैं आपको एक चीज़, उसके बाद मैं थ्री की तरफ जाती हूँ, पहले मैं थ्री की तरफ ड्रॉ कर लूँ आपको फिर मैं बताऊँ, ये देखें जी ये थ्री है, फॉर एग्जांपल थ्री पे क्या सीन है, 4.05, पहले 4.8 था, 4.05 अब नीचे आ गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए समझें कि 4.05 आपका यहाँ है, तो थ्री के ऊपर 4.05 यहाँ है और इस तरफ से है माइनस 1.05, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे एटलीस्ट आप कम अज़ कम ये देख रहे हैं कि 4 के ऊपर प्लस 4 के ऊपर जो वैल्यू आएगी आपके पास आएगी वो डेफिनेटली पिछली वैल्यू से कम होगी, क्योंकि पहली वैल्यू 2 पे थी 4.8, 3 पे वैल्यू आई है 4.05 जो कि रिड्यूस हो रही है, अब मज़ीद आपकी रिड्यूस होगी, यानी कि वर्टिकली आपका जो ग्राफ है वो ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज पे इस तरह से रिड्यूस होगा, ठीक है ये रिडक्शन की तरफ लगा हुआ है, और नीचे से आप देख रहे हैं नेगेटिव वैल्यूज में 0.8 है फिर 0.1, ये नेगेटिव वैल्यू अगर नेगेटिव सिंबल को इग्नोर भी करते हैं तो आपकी वैल्यूज यहाँ पे बढ़ रही हैं, यानी कि आपकी वैल्यू यहाँ से भी आपका ग्राफ नीचे की तरफ ही जाएगा, ठीक है यानी कि यहाँ से ब्रेक होता है और ब्रेक होके मिसाल के तौर पर यहाँ स्केच नहीं होता और यहाँ से आपका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से भी आपका ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, अब यहाँ से 1.1 एंड सोन इस एरिया में तो मैंने चेक ही नहीं किया, मैंने टेबल ही नहीं बनाया, तो बेसिकली आपका जो ओवरऑल इम्प्रेशन है मैं आपको वो बता दूँ कि ओवरऑल इम्प्रेशन किस तरह से जा रहा है जी, आपका जो ओवरऑल इम्प्रेशन जा रहा है ना वो बेसिकली मैंने अगर मैं बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास जगह भी यहाँ पे बहुत लिमिटेड है, तो आपका ग्राफ ये जो लाइन है ये आपके ग्राफ की एसिम्प्टोट है, ठीक है इसका मतलब है कि आपका ग्राफ इसके इसके पास से हो के इस तरह से झुक रहा है, यानी कि अगर मैं थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ करूँ इसके पास से होके नीचे बिलो की तरफ जा रहा है, ठीक है इस तरह की इसकी सिचुएशन है, और यहाँ से आप ये देखें कि ये आपका टेंजेंट है और टेंजेंट की एक जो तरफ ब्रांच है वो किसी और डायरेक्शन में जा रही है और जो दूसरी ब्रांच है वो किसी और डायरेक्शन में जा रही है, इस टेंजेंट से दोनों ब्रांचेस का डिस्टेंस इक्वल नहीं है, तो ये दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, सिमेट्री नहीं है, यानी कि अगर आपको ये लग रहा हो कि इस टेंजेंट के अबाउट ये सिमेट्री है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा जी, तो मैं अब इस कर्व को दोबारा से रफ स्केच कर रही हूँ, ये आपके पास ओरिजिन है, ये आपके पास वन है, इस लाइन की इक्वेशन x इज इक्वल्स टू वन है और ये लाइन हमारे इस कर्व का असिम्प्टोट है, ठीक है और ये लाइन ये टेंजेंट है और इसकी इक्वेशन x इज इक्वल्स टू माइनस वाई है। अब हमारा कर्व किस तरह से है, हमारा कर्व हम
हमने नोट किया कि इसकी दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, दो अपने अपने डिफरेंट एंगल से निकल रही हैं। एक ब्रांच तो निकलती है ऐसे, जो कि हमें लगता है कि जो इस तरह से नीचे की तरफ झुक रही थी, और यहाँ पे वन को छोड़ के आगे वन से इस तरह से ये पास करती है। और दूसरी ब्रांच हमने ये देखा कि हमारी दूसरी ब्रांच जो है वो इस तरह से निकलती है और इस तरह से बेंड करती है, और बेंड करते करते, अगर मैं आपको दिखाऊं, बेंड करते 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 ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन, इसको मैं थोड़ा सा और लंबा करूं, जो असिम्प्टोट है, ये दूसरी ब्रांच हमारी बेंड करते करते इस असिम्प्टोट के पास से गुजरती है, क्योंकि असिम्प्टोट है, उसके पास से गुजरेगी ऐसे नीचे की तरफ, ये कॉन्टीन्यूली बेंड करती जाएगी इस तरह से। आप थोड़ा सा इसको कर्व शेप में ड्रॉ कर दें, ठीक है, इस तरह से बेंड करती करती इसके पास से गुजरेगी, और दूसरी ब्रांच आपकी इस तरह से मज़ीद पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ती चली जाती है, और इसके पैरेलल आपके पास एक ब्रांच इस असिम्प्टोट से यूं झुकते, मतलब असिम्प्टोट्स के पास से गुजरती है, और वर्टिकली वो बिलो एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, उस एक्स एक्सिस की तरफ रुझान होता है, और वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यूज़ डिक्रीज करती चली जाती है। कुछ इस तरह का ये कर्व आपका स्केच हुआ है। तो आपको यहाँ पे कुछ आइडिया हो गया होगा, क्योंकि ये सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, इसको इन दो इंटरवल्स में, एक इंटरवल था हमारे पास 0 से 1 का, और दूसरा इंटरवल था हमारे पास 1 से +∞ तक का। तो इस इंटरवल में इसकी शेप बड़ी अजीब सी है, और इसके लिए जब तक हम साथ में टेबल ड्रॉ नहीं करते, मैं टेबल ड्रॉ करके आपको थोड़ी सी वैल्यूज़ का आइडिया ना देती, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इजीली यहाँ इसे स्केच कर सकते हैं। तो इसलिए वैसे तो नॉर्मली हम इनक्रेज नहीं करते कि टेबल ड्रॉ करें, लेकिन इस में इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे टेबल की ज़रूरत थी इन दो डिफरेंट इंटरवल्स में। जब तक आप टेबल ड्रॉइंग करेंगे तो तब तक आपको ये क्लियरली समझ नहीं आएगा। तो होप सो कि आपको ये कर्व समझ आ गया होगा, इसमें हर चीज़ क्लियर हो गई होगी, टेंजेंट, असिम्प्टोट्स, ये टेंजेंट्स और असिम्प्टोट्स ऐसी चीज़ें होती हैं, और इंटरसेप्ट्स, ये सब चीज़ें आपको कुछ ना कुछ कर्व को स्केच करने में काफ़ी हद तक हेल्प देती हैं। जैसे सिमेट्री हमारी बहुत हेल्प नहीं दे रही थी, तो हमने यहाँ पे असिम्प्टोट, वैसे तो असिम्प्टोट का कोई ख़ास करेक्टर नहीं होता, लेकिन आपने ये देखा कि असिम्प्टोट भी हमें यहाँ पे काफ़ी शेप में हेल्प दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हमारा कर्व यहाँ से इस लाइन के पास से गुजरेगा। अगर ये असिम्प्टोट मैं ड्रॉ ना करूँ, तो फिर आप इसको ब्लाइंडली इस तरफ भी स्केच कर सकते हैं, इस वाले जो हमारी ब्रांच है, इसको हम इस तरह भी स्केच कर सकते हैं। तो ये असिम्प्टोट हमें बता रहा है कि हमने इससे आगे नहीं बढ़ना, ठीक है, हमने इस लाइन से आगे नहीं बढ़ना, हमने इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल साथ साथ चलना है, और फिर इसको इस तरह से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ झुकना, और वर्टिकली हमने डाउनवर्ड जाना है। तो होप सो कि आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी।